नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं तमिलनाडु की कुछ खास खबरों की। तमिलनाडु के इरोड नहर सिंचाई के लिए वराट्टुपुलम बांध से पानी छोड़ना। 6000 एकड़ कृषि भूमि को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लाभ होगा। विधानसभा सदस्य वेंकटचलम, लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों और किसानों ने संयुक्त रूप से नई अयाकातु सिंचाई के लिए इरोड जिले के अंधियूर के पास वराट्टुपुलम बांध से पानी का उद्घाटन किया। विधायक वेंकटचलम, किसानों और अधिकारियों ने फूलों से उनका स्वागत किया क्योंकि खुले छोड़े गए जलद्वारों से पानी बह रहा था। आज से जो पानी छोड़ा जाएगा उससे कुल 100 दिनों तक सिंचाई के लिए 97 मिलियन क्यूबिक फीट पानी निकलेगा। इसके कारण वराट्टुपुलम बांध के नए अयाकडू क्षेत्रों के शंकरपालयम, केट्टी समुद्रम और माइकलपालयम गांवों में कुल 6000 एकड़ कृषि भूमि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 3000 एकड़ कृषि भूमि है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने किसानों से अनुरोध किया है कि वे इस पानी का उपयोग मूंगफली, मक्का, तिल, चना और मूंग जैसी अल्पकालिक फसलों की खेती के लिए करें। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ सुब्रमणी की रिपोर्ट।